यूपी सरकार ने सरकारी अधिकारियों के लिए सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अधिकारियों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। आखिरकार ये गाइडलाइंस क्या हैं और ये सख्ती क्यों है, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। यूपी सरकार ने अपने अफसरों और कर्मचारियों के लिए मीडिया गाइडलाइंस जारी की है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। आपको बता दें, एक आदेश यूपी सरकार के द्वारा अफसरों के लिए जारी किया गया है। यह आदेश काफी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। आपको बता दें, आदेश में कहा गया है कि मीडिया में जिसको बोलना है पहले सरकारी मंजूरी लेनी होगी। सोशल मीडिया के लिए भी यह नियम तय किया गया है। नया शासना आदेश कल रात जारी किया गया, जिसमें सख्ती से कहा गया है कि आचरण नियमावली का पालन करें। आदेश में कहा गया है कि बिना मंजूरी लिए अखबार में लेख ना लिखें, टीवी रेडियो में ना बोलें, सोशल मीडिया पर भी ना लिखें। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी द्वारा जारी शासना आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के सरकारी कर्मियों के आचरण को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 1956 प्रभावी है। आचरण नियमावली के नियम की बात की जाए तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में ये व्यवस्था है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सभी समयों पर व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले प्रवर्तित विशिष्ट या अंतर्निहित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा। नियमावली के नियम 6, 7 एवं 9 में समाचार पत्रों या रेडियो से संबोध करने एवं सरकार की आलोचना आदि के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान की बात की जाए तो आदेश में कहा गया है कि कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार के पूर्वी स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी समाचार पत्र या अन्य न्यात कालिक प्रकाशन का पूर्णः या अत्यंत स्वामी नहीं बनेगा, ना उसका संचालन करेगा और ना उसके समापन कार्य या प्रबंधन में भाग लेगा। यानी कि मंजूरी अब लेनी पड़ेगी सरकार से, नेता मंत्रियों को, उसके बिना वो कोई भी ना स्टेटमेंट दे सकते हैं, ना कह सकते हैं, ना लिख सकते हैं। यानी कि किसी भी तरीके के मीडिया, सोशल मीडिया के कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन लेना है तो पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी। शासना आदेश में कहा गया है कि कोई सरकारी कर्मचारी जो कि सरकारी कर्मचारी है सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की या इस संबंध में सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो अथवा जब वह अपने कर्तव्यों का सद्भाव से निर्वाहन कर रहा हो, किसी रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा या किसी समाचार पत्र या पत्रिका में लेख नहीं भेजेगा और गुमनाम से अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में किसी समाचार पत्र या पत्रिका को कोई पत्र नहीं लिखेगा। किंतु प्रतिबंध ये है कि उस दशा में जबकि ऐसे प्रसारण या ऐसे लेख का स्वरूप केवल साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक हो, किसी ऐसे स्वीकृति पत्र के प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। शासना आदेश में कहा गया है कि उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में मीडिया का स्वरूप विस्तृत हो चुका है। इसके अंतर्गत प्रिंट मीडिया यानी कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं इत्यादि, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो या फिर न्यूज चैनल, सोशल मीडिया या फिर फेसबुक, एक्स पूर्व में जिसे हम ट्विटर कहते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि डिजिटल मीडिया की बात भी कही गई है, समाचार पोर्टल इत्यादि शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार सेवक आचरण नियमावली 1956 में जहां जहां समाचार पत्रों और रेडियो प्रसारण का उल्लेख आया है वह सभी अवयव प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के साथ साथ वर्तमान परिदृश्य में मीडिया के सभी संभावित प्रचालित स्वरूप से प्रतिस्थापित समझा जाए। यानी कि अब साफ तौर पर योगी सरकार का एक सख्त एक्शन मोड नजर आ रहा है। ये क्यों है, किस लिए है, अफसरों पर ये डंडा क्यों चलाया जा रहा है, जहां कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, नेता हो, मंत्री हो, कोई भी हो, वो बिना पूछे कोई भी स्टेटमेंट नहीं देगा और
स्टेटमेंट पार्टिसिपेशन पर बता दिया गया है कि पहले आपको जो है इसकी सूचना देनी पड़ेगी कि आप किस चैनल में जाकर आपका प्रोग्राम है, आप बोलने वाले हैं, कहाँ बोलने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं, उससे पहले आप कुछ नहीं कह सकते हैं, कोई स्टेटमेंट कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अब सवाल खड़ा होता है कि योगी सरकार ने यह सख्त एक्शन क्यों लिया है। आपको बता दें, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट रहा है, लोकसभा चुनाव में देखा गया है कि बीजेपी ने कितनी सीटें गंवाई हैं, ऐसे में योगी आदित्यनाथ लगातार अपने अफसरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, इसमें तमाम तरीके के जो है गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। ऐसे में एक ये नया फरमान जो जारी किया गया है, जहां बताया गया है कि कोई भी सरकारी अफसर किस तरीके से रहने वाला है और अपने स्टेटमेंट्स पर, अपनी जुबान पर, अपने लेख पर काबू करने वाला है, सरकार से बिना पूछे कुछ भी नहीं होगा। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।